कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो पहला सवाल होता है 30 मार्क क्वेश्चन, उसमें मेजॉरिटी मार्क्स होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर स्टूडेंट। नाउ इट डिपेंड्स कि वो 30 मार्क्स में से आपको 15 मार्क्स की कंसोलिडेशन आती है, 20 मार्क्स की आती है, उसकी वेटेज एग्जाम में वेरी कर सकती है। तो जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट क्वेश्चन आएगा, लाइक चाहे वो 15 मार्क्स का हो या इट्स लाइक 20 मार्क्स का, उसका स्कोर 100% होना चाहिए, लाइक फुल मार्क्स की इंटेंशन होनी चाहिए, ताकि जो बाकी क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड बेस्ड, उसमें अगर आप ऑन एवरेज भी परफॉर्म करें तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इजीली पास हो। अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, और इसका जो बैकग्राउंड है वो स्टूडेंट को काफ़ी हद तक इसकी नो हाउ होती है। वाई? क्योंकि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है एसीसीए के बेसिक पेपर से, F3, FA, उसके बाद F7, FR, वहाँ पर कंसोलिडेशन पढ़ाई जाती है, और उसके बाद कंटिन्यूटी में कंसोलिडेशन पढ़ाई जाती है SBR में, दिस इज द लास्ट पेपर यू हैव टू डील विद कंसोलिडेशन। ये कनेक्टिविटी, तो जब हम SBR में आते हैं तो हमारे पास कंसोलिडेशन की एक बेसिक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम SBR के अंदर जो रिमेनिंग कंसोलिडेशन है उसको कवर कर सकें। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, उस पर सवाल आ सकता है। SFP बनानी है, बैलेंस शीट बनाने को सवाल आ सकता है। चेंजेस इन इक्विटी पर कोई सवाल पार्ट क्वेश्चन बन सकता है, और कैश फ्लोस पे सवाल बन। कंप्लीट क्वेश्चन अब नहीं आता, कोई भी आपसे इनमें से कोई भी चीज का एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। लाइक आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप गुडविल कैलकुलेट करें और उसको एक्सप्लेन करें, गुडविल कैलकुलेट करें और उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाती है। जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें आपको करनी होगी उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी होगी एग्जाम में। तो कोई भी एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कैश फ्लो का कोई भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट की कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ये चार चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद। अब कॉन्टेंट जो कॉन्सोलिडेशन के अंदर हमें कवर करने हैं ना, तो बेसिक कंसोलिडेशन तो पूरी की पूरी मौजूद है, जो F3 और FR लेवल के ऊपर पूरी बेसिक कंसोलिडेशन, ईच एंड एवरीथिंग इट्स इंक्लूडेड इन दिस। उसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा सब्सिडरी भी आ सकती हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपके पास सब सब्सिडरी नहीं होती, सब्सिडरी आ सकती है, एसोसिएट्स हो सकते हैं, और उसके अंदर आपके पास ज्वाइंट अरेंजमेंट भी हो सकता है। ये एक नई चीज़ है जो कि FR लेवल के ऊपर स्टूडेंट के पास इसकी नो हाउ नहीं है। उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें इसके अंदर आएंगी, लाइक स्टेप एक्विजिशन क्या होता है। हम सब्सिडरी को जब एक्वायर करते हैं ग्रेजुअली, तो हम एक साथ एक्वायर नहीं कर रहे, लाइक पहले हमने 30% शेयर्स एक्वायर किए, एसोसिएट बनाई, फिर फर्दर 30% शेयर्स एक्वायर किए, तो स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन कैसे होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास एक सब्सिडरी मौजूद है और सब्सिडरी को आप बेचना चाहते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस पर जो गेन और लॉस निकाला जाता है वो कैसे कैलकुलेट होगा। और इसके साथ सब्सिडरी अगर आपने इस इंटेंशन से खरीदी है कि आप उसे नियर फ्यूचर में बेच देंगे, सब्सिडरी हेल्ड फॉर सेल, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इन सब चीजों में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ऑल टुगेदर सारी चीजें कवर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है फॉरेन सब्सिडरी, जो पहली मरतबा आप लोग पढ़ते हैं फॉरेन सब्सिडरी। लाइक कि अगर आपकी सब्सिडरी किसी और कंट्री में है और वहां पर करेंसी का इशू आता है, तो करेंसी कन्वर्जन वगैरह की अकाउंटिंग किस तरह से होगी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू ये कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद।
अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो कंप्लीट क्वेश्चंस कंसोलिडेशन पे नहीं आते, पूरा इनकम स्टेटमेंट, पूरी बैलेंस शीट, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कभी भी नहीं पूछा जाता, लाइक पार्ट क्वेश्चन पूछे जाता था। और अलॉन्ग विद जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी साइड बाय साइड पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड जो इसके साथ कनेक्टेड है, IFRS 3 कनेक्टेड है कॉन्सोलिडेशन के साथ, IFRS 10 कनेक्टेड है ये कॉन्सोलिडेशन ग्रुप अकाउंटिंग, IFRS 11 ज्वाइंट अरेंजमेंट, IFRS 12 डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्सोलिडेटेड रिलेटेड एक्टिविटी, इसी तरीके से IAS 28 एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। तो इन 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की खास तौर पर अगर बात की जाए, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनको अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, ये थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल और ये थ्योरी, इनसे थ्योरी का कोई भी सवाल नॉर्मली क्रिएट किया जा सकता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप बनता है उसमें ये होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 80% शेयर्स एक्वायर किए तो हमें पता है कि एक्वायरर और एक्वायरी का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, एक्वायरर एक्वायरी। इसके जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो सारे IFRS 10, IFRS 3 और इन सारे IFRS के अंदर इसके पूरे ग्रुप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स मेंशन है, वहां से थ्योरी पूछी जा सकती है एग्जाम। अब हमें ये पता है कि पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप कब बनता है, व्हेन देयर इज कंट्रोल। और कंट्रोल कब आता है, कंट्रोल आता है व्हेन यू हैव मोर देन 50% शेयर्स, जिससे आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं और वोटिंग राइट्स के जरिए आप किसी भी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास लेस देन 50% शेयर्स होते हैं तब भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है। तो कंट्रोल कैसे आता है, ठीक है, कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल कैसे आता है, लेस देन पे कब आता है, ये थ्योरी अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम हाईलाइट कर देते हैं कि कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सोलिडेशन में चीज बन सकती है। इसी तरीके से लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए ने बी के 30% शेयर्स एक्वायर 1 जनवरी 2018, फिर सब्सिक्वेंटली ए ने बी के 30% शेयर्स एक्वायर किए 2022। तो जिस डेट के ऊपर आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स आएंगे यानी कि मोर देन 50%, उस डेट के ऊपर आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास कंट्रोल आया और इस डेट से हम ग्रुप अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। ये एग्जांपल बनती है स्टेप एक्विजिशन। हम एक एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे और उसके साथ उसका पास्ट पेपर का जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है वो सॉल्व करेंगे, लाइक स्टेप एक्विजिशन, फिर डिस्पोजल, फिर फॉरेन सब्सिडरी। इनिशियली बेसिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर जम करेंगे स्टेप एक्विजिशन पे, फिर उसका इनकम स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट, देन डिस्पोजल, उसके मल्टीपल सिनेरियोज, एंड देन फॉरेन सब्सिडरी, और आखिर में स्टेटमेंट ऑफ कैश। इसी तरीके से जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं तो ए ने फॉर एग्जांपल बी के 80% शेयर्स एक्वायर किए 1 जनवरी 2019, सब्सिडरी बन गई, कंट्रोल आ गया। अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ए ने बी के 40% शेयर्स सेल कर 1 जून 2022। तो देखना हमें क्या होगा, देखना हमें ये होगा कि क्या कंट्रोल के ऊपर फर्क पड़ा। तो ये सिचुएशन क्या बनेगी, सब्सिडरी जो हमारी थी उस सब्सिडरी से हम क्या बन गए, 40% पे क्या बन जाता है, सब्सिडरी से हम एसोसिएट बन गए।
तो ये मल्टीपल सिनेरियोज हम डिस्पोजल के अंदर कंसिडर करेंगे कि डिस्पोजल की अकाउंटिंग किस तरह से हो। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसोलिडेशन के ऊपर जाएंगे और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एसएफपी, ताकि आप लोगों का जो पिछला वर्जन है F7 तक का वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, रिवाइज हो जाए, और उसके बाद फिर हम नई चीज़ें वन बाय वन और उसके बाद उसकी थ्योरी कैलकुलेशन साइड बाय साइड चलती रहे। तो देखिए, कंसोलिडेटेड एसएफपी बनाने के लिए आपको, अगर आप कंप्लीट एसएफपी बनाना चाहते हैं तो मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उनमें से बीच में से कोई भी स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। पहला स्टेप होता है कि आप ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें कि आपके पास जो कंपनीज हैं उनमें कितनी सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट हैं, ज्वाइंट वेंचर हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनसीआई कितना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें कंसिडरेशन फाइंड आउट करनी है पेरेंट की कि पेरेंट ने जो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की कंसिडरेशन। प्रीवियस सिलेबस से हमें ये बात पता है कि जब पेरेंट सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करता है तो कंसिडरेशन की मल्टीपल टाइप्स होती है। नंबर वन, जो इन्वेस्टमेंट की गई वो इमीडिएट कैश की फॉर्म में की गई, कैश कंसिडरेशन। शेयर एक्सचेंज किए गए बाय पेरेंट कंपनी, लोन नोट एक्सचेंज किया गया उसके जरिए एक्वायर की गई कंपनी, डेफर्ड कंसिडरेशन दी गई, या परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन बनाई। इनमें से कोई भी कंपोनेंट एग्जाम में आ सकता है कि जी आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालें और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वंस हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर नॉर्मली जब हम गुडविल वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हम फेयर वैल्यू मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है व्हाट इज़ दी फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये किस केस में हम निकालते हैं, जब हम फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फेयर वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इसकी भी वर्किंग पता होनी चाहिए। इन तीन स्टेप्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिटरमिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेप। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी आइडेंटिफाई करने एक्विजिशन डेट और इनकी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। अब यहाँ पर SBR में थोड़े से इश्यूज आते हैं कि जब सब्सिडरी की आप फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके पास जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको फेयर वैल्यू पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। लाइक अगर उसके पास कोई टेंजिबल एसेट है उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन कैसे होगी, अगर कोई इंटेंजिबल है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी, क्योंकि इंटेंजिबल ज़्यादातर इंटरनली जनरेटेड होते हैं तो वो इंडिविजुअल बैलेंस शीट में आते नहीं है, इसलिए उनको डिटरमाइन करना और मुश्किल काम होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं उसके पास, या इसी तरीके से सब्सिडरी के पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसकी बैलेंस शीट में रिकग्नाइज नहीं हो सकती, तो हम जो है उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे, तो बिग चैलेंज। इसी तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर IS-12 डेफर्ड टैक्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग भी इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी। ये चार स्टेप जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर अगला स्टेप, क्योंकि गुडविल सबसे ज़्यादा पेपर में एग्जामिन होती है, तो फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पर गुडविल की डिटर्मिनेशन की जाती है, गुडविल निकाली जाती है, जिसके लिए दो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, या तो फेयर वैल्यू मेथड होता है गुडविल, फुल गुडविल मेथड, या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो गुडविल हमारे पास जो आउटकम आता है या तो वो पॉजिटिव गुडविल होती है
या फिर वो नेगेटिव गुडविल होती है, बार्गेन परचेज। फिर हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव गुडविल होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी और नेगेटिव गुडविल होगी तो हम उसे कहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर पॉजिटिव गुडविल आती है तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट और उसे कॉन्सोलिडेटेड एसएफपी में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर नेगेटिव गुडविल आती है तो नेगेटिव गुडविल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम रिपोर्ट किया जाता है। पॉजिटिव गुडविल अगर एसेट के तौर पे जाएगी तो ये पॉजिटिव गुडविल क्या होगी, सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट, और इसकी इम्पेयरमेंट की डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट, खासतौर पे प्रोपोर्शनेट मेथड। एंड इम्पेयरमेंट के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस। अब गुडविल का अगर हम फॉर्मेट रिकॉल करें तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे फेयर वैल्यू मेथड में। कंसिडरेशन आइडेंटिफाई करते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी, जो भी कंसिडरेशन सवाल में दी हुई होगी, 1, 2, 3 व्हाटएवर जो भी होगी, उसे हम ऐड कर देते थे फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। तो दिस इज दी इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट एंड NCI इन सब्सिडरीज नेट एसेट्स। फिर हम डिडक्ट कर देते थे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, जो हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे एग्जाम में, एट एक्विजिशन। अब ये अगर फॉरेन सब्सिडरी होगी तो ये सारा काम फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। एज ए रिजल्ट ये जो गुडविल हमारे पास आएगी, इट माइट बी पॉजिटिव गुडविल or it might be sometimes negative. Like for example, dollar million mein calculation kar rahe hain, 400 million ki investment by parent company, 200 million investment by NCI, total investment 600 million, 350 million ke fair value of net assets. So excess value jo aayegi, this is positive goodwill, aur positive goodwill kitni ho gayi, 250 ki positive goodwill. Now this goodwill is subject to impairment. ये एक फॉर्मेट है जो हम पास्ट में गुडविल कैलकुलेशन का बनाना हमें आता है, और इसमें ये जो है वो सबसे बड़ा एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है कि किस तरीके से हम नेट एसेट्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं उसका भी हम, अगर हमें सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट निकालेंगे एट एक्विजिशन। और नेट एसेट्स निकालने के लिए हमें इक्विटी साइड से जो वर्किंग करनी होती है, हम सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आइडेंटिफाई करते हैं एक्विजिशन डेट पर, उसका प्रीमियम आइडेंटिफाई करते हैं इफ एनी गिवन, उसके अलावा उसके पास अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो वो ले लेते हैं, और रिटेन अर्निंग ले लेते हैं एक्विजिशन पर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। और उसके बाद अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी भी होती है, प्लस या माइनस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लाइबिलिटीज, वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लस या माइनस, और एज अ रिजल्ट हमारे पास नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डिटरमाइन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का, वो है स्टेप नंबर 5 में गुडविल की डिटरमिनेशन। और उसके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्लियर हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस भी तरीके से दी हुई होगी वो निकालनी हो, अगर डेफर्ड दी हुई होगी तो उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे, कॉन्टिजेंट को भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, और शेयर एक्सचेंज होगा तो उसकी अकाउंटिंग भी होगी, उसकी एंट्री भी पास की जाएगी, तो एंड सो ऑन। वंस हम गुडविल तक पहुंच जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट, और F7 के लेवल तक ये सारी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स अच्छी तरीके से
स्टूडेंट को पढ़ाई जा चुकी होती हैं। तो लेट मी रिकॉल कौन कौन सी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग इन गुड्स, गुड्स एंड सर्विस, इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट से इलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, नॉन करेंट एसेट ट्रांसफर किए जाते हैं आपस में। सिमिलरली इंट्रा ग्रुप लोन हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, इंट्रा ग्रुप डिविडेंड्स हो सकते हैं। तो इंट्रा ग्रुप की ट्रांजैक्शन सारी बैलेंस शीट में कई जगह जाकर हेड कर। इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ग्रुप की रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी होती है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बैलेंस शीट पर माइनॉरिटी की वैल्यू कितनी है। एंड लास्टली इन सारे डेटा से हम कंबाइन करके बनाते हैं कंसोलिडेटेड एसएफपी। एज आई टोल्ड यू कि एसबीआर के एग्जाम में आपको कभी भी ये सारे स्टेप्स एक साथ नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपसे बीच में से कोई स्टेप हो सकता है, जैसे गुडविल की डिटर्मिनेशन है तो गुडविल आपसे पूछ ली, इस तरीके से कोई भी चीज़ आपसे पूछने को दी जा सकती है। तो हम एक्सट्रैक्ट्स पर फोकस करेंगे, उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पर फोकस करेंगे रादर देन के पूरे पूरे कंप्लीट, यानी कि वर्किंग पर फोकस होगा। कंप्लीट पीएनएल बैलेंस शीट बनाने पर फोकस एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी टाइम सेविंग भी है, वरना पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना बैलेंस शीट बनाना प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिकमेंडेड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर काम किए। अब एक लाइकली जैसे सवाल आता है एग्जाम में, उसका एक जरा हम झलकी देखते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख क्वेश्चन, अच्छा हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है और ये हमारी पहली डिस्कशन बेस्ड क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्लासेस से क्लासेस और रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे। इसकी और पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगी, उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। सो एंड सो ऑन। अब देखें एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आजकल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सवाल बनते हैं और किस तरह। देखें यू कैन सी ये सितंबर दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन है शुगर को के नाम से। अब सबसे पहले जब हम सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाते हैं तो एक 30 मार्क का क्वेश्चन किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। यू कैन सी हियर कि आपसे कहा जा रहा है कि फ्लैट कैलकुलेशन नहीं, ड्राफ्ट एन एक्सप्लेनेटरी नोट, यानी कि आपको एक एक्सप्लेनेटरी नोट ड्राफ्ट करना है जिसमें आपको एड्रेस करना है हाउ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 40% एंड द एडिशनल परचेज ऑफ द इक्विटी शेयर्स शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो यहाँ पर उसने आपसे ये पूछा है कि अगर हम एक कंपनी के 40% शेयर्स ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए, उसके बाद हमने सब्सिक्वेंटली उसी कंपनी में फर्दर शेयर्स खरीदे उसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए। राइट
और फर्दर आगे पूछा हुआ है कि जो आपने कैश पे किया है उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसको फोकस किया जाए यहाँ पर, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिंक कर रही है देखें, शुगर को एक कंपनी है जिसने सेवरल एसोसिएट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसमें फ्लोर को भी शामिल एसोसिएट्स हैं। अब एसोसिएट कौन सी कंपनी है? हम थोड़ा सा एसोसिएट की अगर हल्की डिस्कशन कर लें तो दैट वुड बी इजी टू हैंडल। कि एसोसिएट वो कंपनी होती है जिसमें एक्वायरर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। फिर हम अपनी पिछली स्टडीज के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नॉर्मली कब आता है, जब आपके पास मोर देन 20% शेयर्स हों लेकिन 51 से कम हो, दैट मीन्स अप टू 50%। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि आप उस एंटिटी को कंट्रोल नहीं करते, आपके पास उस एंटिटी में आ जाता है पावर टू पार्टिसिपेट। इसकी पूरी डिस्कशन कवर होती है अंडर IS-28 में, फर्दर थ्योरेटिकल डिस्कशन हम IS-28 की थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अब जब आपके पास एक एसोसिएट आ जाती है, आपके पास ऑलरेडी एक सब्सिडरी मौजूद है, उसके बाद आपके पास एक एसोसिएट आ जाती है, तो उस एसोसिएट के लिए आप कंसोलिडेशन तो नहीं कर सकते जब तक कंट्रोल ना आए। तो उसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग करते हैं विच यू माइट नो, दैट इज कॉल्ड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये कंसोलिडेशन नहीं है, ये एक अदर टेक्निक है, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं कि हमारा उस एंटिटी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये फिगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये फिगर उठाकर कंसोलिडेटेड SFP में ट्रांसफर कर देते हैं एसेट साइड पे। जब भी एसोसिएट होता है तो उसकी अकाउंटिंग का तरीका क्या होता है, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती है, उसको हमें यूज करना है। तो इस बेसिक, हालांकि FR में भी ये यूज हुआ है, ये SBR के पेपर में भी उसकी अकाउंटिंग पूछी। आगे बढ़ते, तो इसके पास एक एसोसिएट कंपनी है फ्लोर को, और इसने फर्दर उस एसोसिएट कंपनी में कुछ और शेयर एक्वायर किए और कंट्रोल एक्वायर कर दिया। ये स्टेप एक्विजिशन पे सवाल बना। उसके बाद उसने एक और एसोसिएट एक्वायर की बटर को, तो मल्टीपल कंपनीज आपको दी जाएंगी। अब एक्विजिशन ऑफ फ्लोर को की एग्जांपल दी जा रही, फ्लोर को के पास 10 मिलियन शेयर्स थे, हमने इनिशियली 40% होल्डिंग एक्वायर की थी कई साल पहले एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन, हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 10 मिलियन, तो 40% पे सब्सिडरी नॉर्मली नहीं बनती, तो हम इस 40% को क्या करेंगे, इस 40% को हम एसोसिएट रिकॉर्ड कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली मेंशन हुआ हुआ है कि उसके पास 40% से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो जो 40% हमने एक्वायर किया वो कैसे एक्वायर किया, उसकी आगे डिटेल बताई हुई है। द कंसिडरेशन टू एक्वायर एन एडिशनल 3 मिलियन शेयर्स विच इज 30% होल्डिंग On 1st July 2007 was in two parts. कुछ आपने कैश पे किया और आपने शेयर एक्सचेंज कर लिया 1 for every 2, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद। और सब्सिडरी के नेट एसेट्स की डिटेल प्रोवाइड की गई कि सब्सिडरी के पास लाइसेंस मौजूद है, PPE मौजूद है, कैश बैलेंस मौजूद है, अदर नेट एसेट्स हैं, और टोटल नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, फेयर वैल्यू नहीं दी, क्योंकि हमें गुडविल की डिटर्मिनेशन के लिए फेयर वैल्यू चाहिए होती है, तो अब इस नेट एसेट्स के ऊपर कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कैरिंग अमाउंट इक्वल है फेयर वैल्यू के, एक्सेप्ट फॉर अ लैंड विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 600,000
इन एक्सेस ऑफ द कैरिंग अमाउंट, ये F7 की बिल्कुल रिलेटेड एडजस्टमेंट, और NCI गिवन नहीं है तो हमें NCI कैलकुलेट करना है एट एक्विजिशन, और इनिशियल 40% को हमें इक्विटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। गुडविल उसने दे दी, गुडविल उसने प्रॉपरली कैलकुलेट कर ली है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपरली रिपोर्ट होगी। अब वो आगे आपको बताएगा कि उसने फर्दर कितने शेयर्स एक्वायर किए, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर उसने फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी में 25% शेयर्स एक्वायर किए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इस तरह मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास मौजूद है, पार्ट बी, लेकिन ये एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब है कुछ कैलकुलेशन कुछ थ्योरी, पहले पार्ट में 10 नंबर कंसोलिडेशन के हैं। फिर अगला पार्ट देखें, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सी एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज के एक्सट्रैक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग। नो एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड इन पार्ट बी, पूरा फ्लैट कैलकुलेशन का सवाल, 16 मार्क्स। एंड आई टोल्ड यू के 30 मार्क्स में से बाज दफा सिर्फ 15 मार्क्स ही कंसोलिडेशन आती है, रिमेनिंग 15 मार्क्स स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि 30 मार्क्स पे मेजॉरिटी कंसोलिडेशन आएगी, 15 मार्क्स भी आ सकते हैं, 20 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन 16 मार्क्स ही कैलकुलेशन इट्स अ ह्यूज नंबर, और टोटल 26 मार्क्स की ओवरऑल कंसोलिडेशन है। इसका मतलब है अगर स्टूडेंट 30 मार्क्स में से अच्छा परफॉर्म करता है तो लाइकली चांसेस हैं कि वो बड़े आराम से पेपर पास कर। फिर उन्होंने एक स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट पूछ लिया कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम विच इज IAS 19 का कॉन्सोलिडेटेड कैश फ्लो के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, रिमेनिंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 30 मार्क्स। अगर किसी को SBR पहली अटेम्प्ट में पास करना है, एज एवरी वन वॉन्ट कि पहली अटेम्प्ट में पास हो, तो इट इज वेरी लाइकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पहला सवाल है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो बहुत पैथेटिक होगा तो लाइकलीहुड जो होगी वो प्रॉब्लम में आ सकती है। यहां तक अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क। फॉरेन सब्सिडरी के जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हो सकता है कि फॉरेन सब्सिडरी के ऊपर सवाल आए। यानी कि F7 लेवल की कंसोलिडेशन नहीं होगी, कंसोलिडेशन आएगी तो F7 से काफ़ी एडवांस लेवल की आएगी, लेकिन बेसिक चीज़ें उसके अंदर बहुत होंगी, बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन में एग्जामिनर अगर चाहे तो वो ये कर सकता है कि फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन में पूरा IFRS है, IFRS 13 विच डील्स विद फेयर वैल्यू कैलकुलेशन, वो उसको इनकॉर्पोरेट करके वो भी पूछ सकता है। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट पे सवाल बनाया जा सकता है, इसी तरह से कैश फ्लो पे सवाल, मिक्स ऑफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अब ट्रेंड ये है कि चांसेस ये होते हैं के एग्जामिनर जो है वो मिक्स ऑफ क्वेश्चन बनाए। इसी तरीके से हो सकता है कि वो आपको कुछ एरर्स दे दें और आपको एरर्स ठीक करने को कहा जाए, आप इस एरर को ठीक कर दें। लाइक लेट मी शो यू वन क्वेश्चन, September 2018 बनाना को। अब यहाँ पर इसमें मेंशन किया कि हमने कुछ एक्विजिशंस की हैं, कुछ डिस्पोजल किए हैं, और यहाँ पर आपको एक कंपनी की एक्विजिशन की डिटेल बताई गई। 1 जनवरी के ऊपर बनाना को ने 80% शेयर्स एक्वायर किए, 80% मीन्स एक सब्सिडरी कंपनी बनी। उस वक्त सब्सिडरी के आपको नेट एसेट्स प्रोवाइड कर दिए गए कि 70 मिलियन के नेट एसेट्स, यानी कि आपको ग्रुप स्ट्रक्चर दिया गया, नेट एसेट्स प्रोवाइड किए गए,
अब आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी जा रही है, द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइजेज ऑफ 10 मिलियन शेयर्स हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 एंड मार्केट प्राइस ऑफ 6.8, यानी कि हमने उसको एक्वायर करने के लिए शेयर एक्सचेंज किया, अपने शेयर इशू किए, और साथ हमने उसको 18 मिलियन का कैश देना है। कब देना है? 1 जनवरी 2009। हमने एक्वायर कब किया है? 1 जनवरी 2007 को, और कैश देने की कमिटमेंट हम कर रहे हैं 1 जनवरी 2009 को, आफ्टर 2 ईयर्स। अगर ये कमिटमेंट बगैर किसी शर्त के होगी तो दैट वुड बी डेफर्ड कंसिडरेशन, और अगर इसके साथ कोई शर्त लगा दी जाए तो दैट वुड बी कॉल्ड कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। तो इन्होंने एक शर्त लगा दी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 5% से ग्रो होगा अगले 2 साल में तो हम आपको पेमेंट करेंगे, वरना पेमेंट नहीं करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई उसकी 16 मिलियन, लेकिन हम लाइकलीहुड देखेंगे कि टारगेट मीट होने का लाइकलीहुड क्या है। तो लाइकलीहुड हमें दिया गया कि 25% चांस है कि प्रॉफिट टारगेट सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई कि द फाइनेंशियल डायरेक्टर डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन सिंस इट वॉज नॉट प्रोबेबल दैट इट वुड बी पेड। अब यहाँ पर आपको IFRS की नॉलेज होनी चाहिए कि IFRS ये कहता है कि जी अगर वो प्रोबेबल नहीं है तो वी हैव नो इशू, जो भी उसकी लाइकलीहुड है उतना तो हम कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन बुक कर लेंगे। प्रोबेबल की डेफिनेशन होती है मोर देन 50%। इसी तरीके से उसने बताया, ये एक टाइप ऑफ आप समझ लें ओमिशन समझ लें, एरर समझ लें, कि उसने NCI को रिकॉर्ड किया है प्रोपोर्शनेट मेथड से। हालांकि ग्रुप की पॉलिसी है कि ग्रुप NCI को फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करता है, तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ NCI पे रिपोर्ट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो ये बेसिक गुडविल की डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम। और अगर हमने कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन नहीं रिकॉर्ड की तो इसका मतलब है हमें गुडविल आइडेंटिफाई करनी होगी, पहले रिक्वायरमेंट चेक कर। अगेन ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट जिसमें आपको क्या क्या डिस्कस करना है, 8 मार्क्स के लिए आपको डिस्कस करना है हाउ गुडविल शुड हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ जी एंड शो द अकाउंटिंग एंट्री विच इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द फाइनेंशियल डायरेक्टर्स एरर। जिससे ये आइडिया हुआ कि एग्जामिनर आपसे एडजस्टिंग एंट्री भी पूछ सकता है, किसी भी चीज की एडजस्टिंग एंट्री, किसी एरर की एंट्री, कुछ भी पूछी जा सकती है। 8 मार्क्स। उसके बाद उसने इसके अंदर फर्दर कुछ नई एक्विजिशंस करवाई, कुछ डिस्पोजल्स करवाए। फिर इसने बताया कि हमने एक 40% शेयर्स एक्वायर किए एक कंपनी में, और 40% शेयर्स के ऊपर हमारे पास कंट्रोल आएगा या सब्सिडरी बनेगी, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे पास राइट है एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का आउट ऑफ 5, और इस इन्वेस्टमेंट को हमने इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रिकॉर्ड किया है। अच्छा, बनाना को हमने एक्वायर किया था 80% 1 जनवरी 2007। अब फर्दर क्या हुआ कि हमने बनाना को की जो 40% इन्वेस्टमेंट थी कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी। बनाना डिस्पोज्ड ऑफ 75% ऑफ इट्स 40% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2006 फॉर 19 मिलियन, और उस पर बनाना को के पास जो राइट था एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का वो राइट भी चला गया। तो अब ये डिस्पोजल की बात हो रही है, और डिस्पोजल से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि हाउ द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर आफ्टर द डिस्पोजल 4 मार्क्स। तो इस तरह से चीजें कंसोलिडेशन में पूछी जाती। इसी तरीके से उसने क्यूरी का सवाल पूछा
कि हमने एक कंपनी एक्वायर की है मेलन, और वो कंपनी जो है वो किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है. अब ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल स्टफ पे सवाल. डिस्कस वेदर द डायरेक्टर्स आर करेक्ट टू ट्रीट मेलन एज एन एसेट एक्विजिशन, 7 मार्क्स फ्लैट थ्योरी. तो जो स्टूडेंट ये एज्यूम करके जाते हैं कि कॉन्सोलिडेशन में इंटायर कैलकुलेशन आएगी, उन्हें एग्जाम में बार दफा ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं कि बड़े बड़े थ्योरी के सवाल आ जाते हैं. एन एग्जामिनर लव्स टू आस्क थ्योरी रादर देन कैलकुलेशन. तो इन क्वेश्चन से एक आइडिया बिल्ड किया जा सकता है कि आपको कॉन्सोलिडेशन कैसे पढ़नी चाहिए. बेसिक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और नए जो इश्यूज आएंगे उनको आपको प्रॉपरली एड्रेस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. लाइक सी, अब ये एक सवाल है पास पेपर का, जिसमें बबल कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी जिसकी करेंसी चेक करें मिलियन डॉलर में दी हुई है. टेस्लर जो एक कंपनी है उसकी करेंसी दीनार में दी, और एट वंस देखते ही हमें आइडिया हुआ कि ये फॉरेन सब्सिडरी है, और फॉरेन सब्सिडरी की फिर गुडविल डिटर्मिनेशन वगैरह यहाँ पर. कैलकुलेट विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन हाउ गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन शुड बी कैलकुलेटेड, 7 मार्क्स ही गुडविल की डिटर्मिन. फिर अगर फॉरेन सब्सिडरी है तो एक्सचेंज गेन और लॉस भी आता है. व्हाई एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजेस, 10 नंबर की कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन. उसके साथ अब ये पास्ट पेपर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल, कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखें पास्ट पेपर्स में जो सवाल आते थे उनको मॉडिफाई किया गया है नए पैटर्न के हिसाब से. जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करें डायरेक्ट मेथड से, फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई करें, 17 मार्क्स से कैलकुलेट. तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास इनफ है, जिससे हम कोई भी एक्सट्रैक्ट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे. तो हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है. तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है कॉन्सोलिडेशन में. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर किस तरह से कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जाता है. तो हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करते हैं कि जब हम कॉन्सोलिडेटेड गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो शेयर एक्सचेंज वगैरह हम किस तरह से इस पर काम करेंगे, उसकी थिंकिंग हमारी क्या होगी. लेट्स डू वन बेसिक क्वेश्चन. 1 मिनट. Requirement of the question, prepare the consolidated SFP as at 30th June 20X. तो हमारा पहला काम होता है ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना. ग्रुप स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन पे बात करते हैं. 1st July 2007 को बी ने 45,000 शेयर्स एक्वायर किए. 45,000 शेयर्स, परसेंटेज गिवन नहीं. बी ने एच के 45,000 शेयर्स एक्वायर किए. हम इसकी बैलेंस शीट में जाके देखते हैं इसके पास शेयर्स कितने हैं. इसके पास 75,000 शेयर्स. तो हमने एक्वायर किए हैं 45,000 शेयर्स आउट ऑफ 75,000 शेयर्स. तो परसेंटेज हमारी क्या होगी. अगर परसेंटेज आइडेंटिफाई की जाए तो 45 out of 75 ये बनती है 60%. अब 60% पे ये सब्सिडरी बन जाती है. NCI is 45. तो ये हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि हमारे पास बी ने एच में 60% की इन्वेस्टमेंट की. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बी ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है. लाइक दैट. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की डिटर्मिनेशन के लिए जो पॉइंट यहाँ पे नजर आएगा, बी ने अपनी बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट है 1,21,000. अब इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट उसने एच में की है और कितनी इन्वेस्टमेंट एस में की है ये आइडेंटिफाई हमें करना है ताकि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन कर लें.
तो यहाँ देखिए, बी ने 45,000 शेयर एक्वायर किए 1,00,000 के, 100,000, यानी कि कैश कंसिडरेशन हमें गिवन है 100,000 की कैश कंसिडरेशन। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दी हुई है 1,21,000, आउट ऑफ विच दिस 100,000 इज इन एच, जो हमारी सब्सिडरी। उस डेट पर हमारे पास सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग थी 30,000, उसके पास कोई अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी नहीं था एट दैट डेट। उसके बाद हमारे पास सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है 1,20,000, उसके एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन है, एंड इट इज द ग्रुप्स पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू, दैट मींस फुल गुडविल मेथड से गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। अब गुडविल डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है, तो जो नेट एसेट्स हमारे पास गिवन है या जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एंड दिस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद पीपीई हैविंग अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू हमें दी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट हमारे पास है 1,20,000 के, और इसके अंदर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मौजूद है रिलेटेड टू पीपीई, जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल हैज बीन सब्जेक्ट टू एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड इट वाज डिटरमाइंड टू बी इम्पेयर्ड बाय 7,000। तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो हमें डायरेक्टली गिवन है, उससे हम वर्किंग करके कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारे पास सब्सिडरी के अंदर नेट एसेट्स वगैरह कितने हैं, राइट? अब होता ही है कि जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें नेट एसेट एट एक्विजिशन भी आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और नेट एसेट एट बैलेंस शीट भी डिटरमाइन करने पड़ते हैं। उसकी एक वर्किंग एफआर लेवल के ऊपर इस तरह से करवाई जाती थी, उसकी हम एक वर्किंग करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट, टू कॉलम अप्रोच। अब कुछ लोग टू कॉलम अप्रोच से चलते हैं, कुछ लोग टू कॉलम अप्रोच को फॉलो नहीं करते, वॉट एवर इज योर टेक्निक उसके अकॉर्डिंगली आप वर्किंग कर सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, ये टू कॉलम अप्रोच इज वेरी हैंडी, वेरी गुड। हमें बैलेंस शीट बनानी है 30th June 2008 को। एक्विजिशन हमारी जो हुई है वो हुई है 1st July 2007 को। इन बिटवीन हमारे पास 1st जुलाई 2007 से 30th जून 2008 एक साल का गैप। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सब्सिडरी का शेयर कैपिटल। सब्सिडरी की बैलेंस शीट से हमारे पास इक्विटी कैपिटल मौजूद है 75,000 का, पहला फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए। 75,000 का शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन एंड 75,000 का शेयर कैपिटल एट रिपोर्टिंग डेट। उसके बाद बैलेंस शीट में प्रीमियम नहीं दिया हुआ, रिटेन अर्निंग है, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी है। अब रिटेन अर्निंग हमें चाहिए एक्विजिशन पर और एक रिटेन अर्निंग चाहिए हमें बैलेंस शीट डेट पर। तो बैलेंस शीट डेट की रिटेन अर्निंग हमारे पास है 50,000। एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग हमें नोट्स में दी हुई है एंड दैट इज 30,000। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, एक्विजिशन के ऊपर अदर कंपोनेंट कोई भी नहीं था। रिपोर्टिंग डेट के ऊपर अदर कंपोनेंट में हमारे पास 5,000 की वैल्यू रखी, ये 5,000 हमने यहां पर ऐड किया। उसके बाद अब इसमें आएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब हमें जो है वो फेयर वैल्यू दी हुई है टोटल, चेक करें फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है,
नेट एसेट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,20,000, तो हमने 1,20,000 हमें जो वैल्यू दी हुई है वो इसका टोटल है। हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाई करना, तो अब इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी होगी, उसका डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी होगा, तो हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को एज अ बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाई करें। तो अब देखें 75 + 30, अगर इसको कंबाइन कर लिया जाए तो वैल्यू बनती है 105, और वैल्यू है कितनी 120। इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर हमारे पास जो है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, 15 थी। सेम मैंने रिपोर्टिंग डेट पे शो कर दी। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और उसके लिए हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ। लाइफ वॉज गिवन, रिमेनिंग लाइफ इज 5 years एट द एक्विजिशन डेट। हमने 15,000 को डिवाइड किया 5 से और पर एनम हमारे पास 3,000 का डेप्रिसिएशन आया, उससे हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू हो गई रिड्यूस और फेयर वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट भी हमारे पास आ गई, विच इज गोइंग टू बी 75 + 50 = 125, 130, 145 and it's 1,42,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, इट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी, जिसको आगे हम रिटेन अर्निंग में इस्तेमाल करते हैं और एनसीआई में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ये जो फिगर है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट स्टेप, फुल गुडविल मेथड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी क्वेश्चन में गिवन, हाउ मच, 100,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, जो कि नॉर्मली गिवन नहीं होती है क्योंकि बेसिक सवाल है इसलिए गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 55,000, एंड यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी एट एक्विजिशन, जो हमने कॉलम नंबर 1 से डिटरमाइन किया है 1,20,000, 35,000 की गुडविल एट एक्विजिशन, बैलेंस शीट में कितनी गुडविल रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट में गुडविल रिपोर्ट होती है आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, गुडविल हैज बीन सब्जेक्ट टू एन इंपेयरमेंट रिव्यू एंड इट वाज डिटरमाइंड टू बी इंपेयर्ड बाय 7,000। तो हमने बैलेंस शीट के लिए अगर गुडविल आइडेंटिफाई कर दी है तो इस फुल गुडविल में से हमने 7,000 की इंपेयरमेंट माइनस की एंड रिजल्टिंग गुडविल दैट शोन इन एसएफपी इज 28,000। अब ये पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रेफर करता है कि जी इंपेयरमेंट ऑफ सिंगल एसेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट कैसे होती है और सब्सिक्वेंटली गुडविल की इंपेयरमेंट कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। मूविंग ऑन, उसके बाद बी ने कुछ फर्दर एक्विजिशन की 1 जुलाई सेम डेट के ऊपर, बी ने 10,500 शेयर्स एक्वायर किए स्ट्रीट के फॉर 21,000। अगेन हमें परसेंटेज निकालनी, 10,500 शेयर्स जिसके एक्वायर किए हैं उसके शेयर्स कितने, 35,000। तो आउट ऑफ 35,000 परसेंटेज अगर डिटरमाइन की जाए तो परसेंटेज बनती है 10,500 आउट ऑफ 35,000 परसेंटेज इज 30%।
अब अगर कुछ ना भी लिखा हो तो जिस 30% से हमारे पास क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है और हम इसे एसोसिएट कंसिडर करेंगे और इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगी। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकाला जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर टी सोल्ड गुड्स टू एच फॉर 10,000 एट अ मार्जिन ऑफ 50%। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग आ गई, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस जो भी होंगे उसकी भी हम एडजस्टमेंट पास करके उसको भी इलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, सिमिलरली इसके अंदर एक एंट्री दी हुई है, वी रिसीव नोटिफिकेशन दैट एन एम्प्लॉई वॉज क्लेमिंग डैमेजेस अगेंस्ट देम एज अ रिजल्ट ऑफ अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 30th April 2008। अच्छा, अब यहां देखें, बैलेंस शीट बन रही है 30th जून 2008 पर, 5th जुलाई को नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है एम्प्लॉय की तरफ से, वर्क प्लेस एक्सीडेंट हुआ था 30th अप्रैल को, लॉयर हैव एडवाइज्ड दैट देयर इज अ 60% चांस बी विल लूज द केस एंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे डैमेजेस ऑफ 30,000। इसने यहाँ पर IAS 37 की एक एडजस्टमेंट दी पेरेंट की सिचुएशन बना दी। हमें ये डिटरमाइन करना है क्या प्रोविजन बुक होगा, तो IAS 37 की अगर बेसिक नॉलेज भी अवेलेबल है तो ये पता होता है कि जी अगर कोर्ट केसेस के अंदर लाइक्लीहुड प्रोबेबल हो जाए, और प्रोबेबल की डेफिनेशन क्या होती है, मोर देन 50% चांस, तो उस सिचुएशन में हमें प्रोविजन बुक करना पड़ता है प्रोवाइडेड दैट अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। तो अगर हम IAS 37 पे बात करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा एंड प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो पेरेंट की जो बुक्स हैं उसके अंदर हमें एक लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी प्रोविजन बनाने, राइट? एंड अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, एंड ऑब्लिगेशन के लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा, अगर ऑब्लिगेटिंग इवेंट मौजूद है तो हम प्रोविजन की एंट्री पास कर लेंगे। यहाँ ये जस्टिफाई हो रही है, प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 30,000 से और लायबिलिटी को बुक करेंगे बैलेंस शीट में 30,000। एक्सपेंस बुक हो रहा है तो बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो रिटेन अर्निंग जो होगी वो डेबिट हो जाएगी 30,000 से और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा 30,000। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो जहां भी इसका अफेक्ट आना होगा उसको वहां पर ट्रांसफर कर, तो ये एडजस्टमेंट नंबर वन, ये एडजस्टमेंट नंबर टू। एडजस्टमेंट नंबर वन पे बात करते हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स हुई है 10,000 की एट अ मार्जिन ऑफ 50%, तो 10,000 के अंदर 50% का मार्जिन मतलब 5,000 की इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट मौजूद, तो हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने वंस हमने कंसोलिडेटेड कैलकुलेशन कंसोलिडेटेड गुडविल निकाली, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट PURP, तो सेल्स हमारे पास गिवन है 10,000 की, मार्जिन हमारे पास गिवन है 50% का, स्टॉक कितना मौजूद है 80% स्टॉक मौजूद, स्टॉक इज 80%। बेच चुका है वो, रिमेनिंग इज 20%। तो जितना इस गुड्स हमारे पास स्टॉक में रखे हुए होंगे उसके अगेंस्ट ही हम क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे और उसकी एडजस्टमेंट पास करेंगे। तो हमारा PURP कितना होगा, हमारा PURP होगा 10,000 का सेल्स थी, 50% मार्जिन था और 20% गुड्स स्टॉक में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है हमारा PURP कितना होगा, 1,000। अब इस PURP में हम देखेंगे सेलर कौन था, सेलर जो है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, वो पेरेंट कंपनी है, तो हम रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे 1,000 से और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे 1,000। बेसिक एंट्री,
और इसका इम्पैक्ट हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, वो डिडक्ट हो जाएगा, और जब स्टॉक को कंसोलिडेट करेंगे तो वहां से डिडक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास इंट्रा ग्रुप जो बैलेंसेस होते हैं उन्हें भी इलिमिनेट करना होता है। रिसीवेबल्स और पेबल्स के अंदर 5,000 का इंट्रा ग्रुप बैलेंस रखा हुआ है, 5,000 का। हाउ टू इलिमिनेट इंट्रा ग्रुप बैलेंस की एडजस्टमेंट, अकाउंट्स पेबल डेबिट बाय 5,000, कॉन्ट्रा की एंट्री पास हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000, दोनों की बुक से ही अमाउंट डिलीट हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, रिसीवेबल और पेबल को हम एडजस्ट कर दें। तो हमने एक एंट्री पास की इन अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की, एक रिसीवेबल पेबल को कैंसिल करने की, और एक एंट्री हमारी पास हुई है प्रोविजन को बुक करने की, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट डालने के बाद हमें तीन चीजें वर्कआउट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट निकालनी है, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग निकालनी है, और फाइनली एनसीआई का बैलेंस कैलकुलेट करना। तो हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका रिफ्रेशमेंट हो रही है पुरानी नॉलेज की, जितनी भी प्रीवियस हमने नॉलेज एक्वायर की हुई है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और बेसिक पे अच्छी ग्रिप लेने के लिए कुछ दो तीन सवाल FR के सॉल्व किए जा सकते हैं, ताकि सारी वर्किंग की प्रैक्टिस आप लोगों के पास हो, और जब हम एडवांस लेवल पे जाएं तो प्रॉब्लम ना आए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्वेश्चन में गिवन है, हमारी 30% होल्डिंग है इन्वेस्टमेंट, उस 30% की जो इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में 10,500 शेयर्स फॉर 21,000, 21,000 हमने इसमें इन्वेस्ट, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। अब पोस्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिस डेट पे एक्वायर किया था उस डेट की रिटेन अर्निंग, 1 जुलाई 2007 पे रिटेन अर्निंग एसोसिएट के पास कितनी है, 25,000। अब उसके पास रिटेन अर्निंग कितनी है, 40,000। तो 40,000 माइनस 25,000, 15,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाए। इस पोस्ट प्रॉफिट में से 40 माइनस 25, 30% शेयर हमारा है, 15,000 का 30%, दैट इज 4,500 का पोस्ट प्रॉफिट हमने इसके साथ ऐड किया, और हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट SFP के अंदर रिपोर्ट होगी 25,500 जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसके बाद हमें रिटेन अर्निंग की वर्किंग करनी होती है, और उसके बाद हमें एसोसिएट की वर्किंग करनी होती है, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ NCI रिपोर्टिंग डेट पर उसकी वर्किंग करते। तो हम NCI की वर्किंग करेंगे और उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वर्किंग करेंगे। लेट्स वैल्यू NCI। दो चीजें और चाहिए बैलेंस शीट के लिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। How NCI is to be calculated? Take fair value of NCI at acquisition, जो कि गुडविल की कैलकुलेशन में ऑलरेडी हमें पता है, वहां से हमने वो वैल्यू आइडेंटिफाई की, एंड दैट इज गिवन एज 55,000। उसे प्लस करना है हमें शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी। NCI का शेयर सब्सिडरी के पोस्ट प्रॉफिट। अब सब्सिडरी की अगर आपने वर्किंग की है टू कॉलम की, तो आपके पास पोस्ट प्रॉफिट ऑलरेडी मौजूद, एंड दैट इज ये आपके पास पोस्ट प्रॉफिट मौजूद है
142 माइनस 20, 22,000 का सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट। इसके अंदर जो अदर कंपोनेंट का डिफरेंस है वो सिर्फ 5,000, ये रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो पोस्ट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया एंड दैट इज 22,000, उस पे एनसीआई की वर्किंग की जाएगी, 40% एनसीआई है, तो दैट इज वर्थ 63,800। ये हमारा एनसीआई का शेयर है। अब अगर कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर हमें करनी है तो वो एडजस्टमेंट हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो एक एडजस्टमेंट हमारे पास दी हुई है, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। फुल गुडविल मेथड में इंपेयरमेंट का 1% एनसीआई को भी जाता है। 7,000 की इंपेयरमेंट थी, मल्टीप्लाई बाय 40% शेयर ऑफ एनसीआई 2,800, और एज ए रिजल्ट जो रिमेनिंग एनसीआई एसएफपी के अंदर जाएगा वो होगा 61 टू बी रिपोर्टेड इन एसएफ। फाइनल वर्किंग कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, उसकी वैल्यू जो हमें बैलेंस शीट में रिपोर्ट करें। इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हम पेरेंट की बैलेंस शीट डेट पर रिटेन अर्निंग लेंगे। बैलेंस शीट डेट के ऊपर पेरेंट की रिटेन अर्निंग यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम डेटा गिवन एज 200,000। ये फुल आ गई 200,000 प्लस शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, हमारा जो 60% शेयर है। अब हमने जो 22,000 ऊपर निकाला था उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी भी मौजूद है। वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी उसके अंदर हमारा कितना मौजूद है। तो देखें, अगर मैं इसको सिंपल रिटेन अर्निंग का डिफरेंस फाइंड आउट कर लूं कि रिटेन अर्निंग कितनी थी, तब भी हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन हमने ली थी, रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन थी हमारी 30,000, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट थी हमारी 50,000। इन दोनों का डिफरेंस पोस्ट प्रॉफिट होगा और उसके अंदर ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का 3,000 का डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट करेगा। तो 30,000 और 50,000 में 20,000 का डिफरेंस, 3,000 यहाँ से डिडक्ट हुआ तो 17,000 का इम्पैक्ट आएगा, 17,000 का इम्पैक्ट आएगा। और उस 17,000 के ऊपर हम 0.6 लेंगे, तो 17,000 पे हमारा जो 0.6 का इम्पैक्ट आएगा वो बनेगा 10,200। एक तरीका तो ये, एंड दिस इज द इजीएस्ट, इसी को इस्तेमाल करते हैं। रिटेन अर्निंग हमारी 50,000 थी, एक्विजिशन पे 30,000 थी, इसका 60% हमने पेरेंट को दिया, वो हो गया 12,000। अब इसमें से हमने डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 3,000 का 60% डिडक्ट कर दिया, 1,800। ये हमारी रिटेन अर्निंग की इम्पैक्ट आ गई। उसके बाद इसके अंदर हमने फर्दर एडजस्टमेंट पास की इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, जो भी चीज़ रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करेगी वो यहाँ चली जाएगी। 7,000 की इम्पेयरमेंट थी, पेरेंट का शेयर था 60%, 4,200 से डिडक्ट होगा। फिर इसके अंदर हमने अनरियलाइज प्रॉफिट PURP पूरा 1,000 डिडक्ट कर दिया। फिर हमने इसके अंदर प्रोविजन का इम्पैक्ट, जो हमने प्रोविजन बुक किया था 30,000 का, प्रोविजन का इम्पैक्ट हमने माइनस कर दिया 30,000 का। तो जब हम रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर रहे होंगे
तो ये सारे इम्पैक्ट हमें यहाँ से उठाकर डिडक्ट करने पड़ते हैं. एंड नॉट टू फॉरगेट द एसोसिएट शेयर. तो एसोसिएट का जो हमने ऊपर शेयर लिया था वो सेम हम यहाँ पे कॉपी कर दें, ये वाला 4005. तो शेयर इन एसोसिएट, बेसिक वर्किंग F7 लेवल के ऊपर स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से आती है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन. तो पेरेंट का रिटेन अर्निंग, सब्सिडरी का पोस्ट प्रॉफिट, ऑल टुगेदर सारी एडजस्टमेंट, शेयर इन एसोसिएट, और हमारे पास ये कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की फिगर आ जाएगी, विच इज गोइंग टू बी 179,500. ये भी SFP में चली जाएगी. अब एक चीज हमारे पास रहती है और वो है अदर कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये सेपरेट कॉम्पोनेंट है तो इसको हमने रिटेन अर्निंग के साथ मिक्स नहीं करना. अदर कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी सेपरेटली हम कैलकुलेट करें, उसी पैटर्न पे कैलकुलेट करेंगे. पेरेंट की अदर कॉम्पोनेंट की रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कितनी थी वो हमने बैलेंस शीट से लेनी है, दैट इज 10,000. सब्सिडरी की जो अदर कॉम्पोनेंट है वो सिर्फ 5,000 था, उस 5,000 में हमने शेयरिंग लेनी है 60%, 3,000. एसोसिएट में कोई नहीं थी, तो टोटल हमारा अदर कॉम्पोनेंट जो SFP में रिपोर्ट होगा वो हो गया 13,000. और यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने का तो ऑल टुगेदर जितना भी स्टफ था वो हमने बैलेंस शीट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया. बैलेंस शीट यू कैन ऑल प्रोड्यूस बाय योरसेल्फ, क्योंकि बैलेंस शीट हमें SBR में पूरी नहीं बनानी, इसके एक्सट्रैक्ट हमें चाहिए होते हैं. अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हम तमाम एसेट्स को कंबाइन करेंगे, तमाम लाइबिलिटीज को कंबाइन करेंगे, और जो फिगर्स हमें इनकॉर्पोरेट करनी है वो फिगर्स इस बैलेंस शीट के अंदर, अगर हम रफली आइडिया लें बैलेंस शीट बनाने का, उसको भी रिकॉल करें, तो एसोसिएट को बैलेंस शीट बनाने के लिए कंसिडर नहीं किया जाए. नंबर वन, इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कंबाइन कर लिया जाएगा इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. तो ये हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1,80,000 इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विद डेप्रिसिएशन. इन्वेंट्रीज को कंबाइन कर लिया जाएगा दोनों की, रिसीवेबल्स की दोनों को कंबाइन कर लिया जाएगा, कैश बैलेंस को कंबाइन कर लिया जाएगा. इक्विटी हम पेरेंट कंपनी के लेंगे अलोन, रिटेन अर्निंग की हमने वर्किंग की हुई है, अदर कॉम्पोनेंट्स की वर्किंग है, NCI हमारे पास वर्किंग में पड़ा हुआ है, लाइबिलिटीज हम कंबाइन कर लेंगे, गुडविल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देंगे. तो यू कैन ट्राई, ये बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी, यानी कि एसेट साइड और इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड आपकी बराबर होगी.